बिहार विधानसभा में आती है तो वो गौरवशाली है। ये पहला मौका है जब राजस्थान की विधानसभा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय आ रही है। हम पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोग उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। उनका संदेश संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होगा और आज का दिन वास्तव में राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में एक और गौरवशाली प्रश्न को इंदिरा सत्र संक्षिप्त होगा। आपकी क्योंकि ये सत्र संक्षिप्त और आखिरी सत्र है। सरकार के कर्म और कुक्रम हमारे सामने है, जहाँ एक और सरकारी सत्र के माध्यम से अपने कुक्रमों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, हम वो पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। छोटी घोषणाओं का अंबार लग गया और ये लगने लगा कि सरकार इन घोषणाओं के माध्यम से राजस्थान का कल्याण करना चाहती है, जबकि ये सिद्ध हो गया कोई भी बड़ी योजना रही, जल जीवन मिशन रहा, अन्नपूर्णा योजना रही, सब में चांदी कूटने का काम सरकार ने किया। उन बातों को उठाएंगे और कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं क्या कहूँ, हर सप्ताह कोई ना कोई लॉ मर्सर काम राजस्थान में आकार ले रहा है। अभी आपने देखा होगा करौली जिले के अंदर एक मासूम बच्ची, पढ़ने वाली बच्ची की गोली मारकर हत्या, सामूहिक बलात्कार। खाजूवाला की सच्चाई अभी चूकी भी नहीं थी। डूंगरगढ़ में मासूम का अपहरण होता है वो, और आपने कृपा कुलदीप जबीना को बार पुलिस कस्टडी में मारा गया, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले नागौर में हुई। तो सारी बातों को लेकर जो बर्बाद होता किसान, जिसकी जमीन पुर्क हुई है, अब सरकार स्वांग चाहे कुछ भी भरे, सरकार के रिकॉर्ड ने बता दिया किसान की जमीन नीलाम हुई, किसान के खाते हटे हुए, इन सारी बातों को उठाएंगे। राठौर साहब और बिजली के कांड से दुखी उद्योगपति और बिजली के बड़े हुए बिल, इन सारी बातों को उठाएंगे। डिजाइन बॉक्स के आधार पर सरकारी धन का जो उड़ाया जा रहा है, तो सारी बातों को उठाएंगे। राठौर साहब ये चूंकि मैं कई वर्षों से विधानसभा में हूँ, ये चुनौती इसलिए भी है कि गुलाब सिंह कटारिया की अनुपस्थिति हमें खुलेगी, निश्चित तौर पर मुकाबला है। निश्चित तौर पर हम नहीं सहेगा राजस्थान की लॉन्चिंग हम कर रहे हैं 16 तारीख को। राजस्थान में ने जो सहा है इस सरकार के रहते हुए, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अब राजस्थान नहीं सहेगा, राजस्थान करवट बदलेगा और इस सरकार की रवानगी। सर डोटासरा जी के बिल में घुसने वाले बयान पर क्या कहेंगे आपको, आपको भी 8 PM 9 PM की संज्ञा दी है। मैं देखो डोटासरा जी पर कोई, सर आप पर व्यक्तिगत लांछन लगाया है, 8 बजे बाद CM बन जाते हैं टेबल पर, कुछ भी कहे मेरे व्यक्तिगत जीवन CM साहब ने भी कहा था पहले मेरे कोई बात नहीं।